हेलो दोस्तों, हम पेरीमीटर का ब्रेंड टीयर बता रहे हैं दोस्तों। ये वीडियो को री रिकॉर्ड कर रहे हैं। चलिए मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मैं बताऊंगा दोस्तों, आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। नंबर वन का टिक द करेक्ट आंसर बताना। ए नंबर का विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू दिस ग्रुप। इसमें कौन है दोस्तों? इसमें कर्व लाइन का बना हुआ है दोस्तों, ये भी कर्व लाइन का बना हुआ है। इसमें स्ट्रेट लाइन भी बना हुआ है, इधर कर्व लाइन भी बना हुआ है। इसमें सिर्फ स्ट्रेट लाइन का बना हुआ था, इसमें सारा में कर्व था, इसमें कर्व नहीं है। इसका मतलब ये अलग है कुछ। तो वन का क्या हो जाएगा? फोर आ जाएगा। उसके बाद बी सी डी ये सब लिख लेता हूँ दोस्तों, ई तक है, ई लिख लेता हूँ। किसका क्या आ रहा? और इधर कैलकुलेशन करके बताएंगे। बी में द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 15 सेंटीमीटर If length of one side is 4 सेंटीमीटर, the sum of other two side। दोस्तों यहाँ मैं समझा रहा हूँ आपको। यहाँ बोलता हूँ कोई ट्रेंगल है तो इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब ई लाइन और ई लाइन का सम जो है कितना दिया हुआ है? 15 दिया हुआ है, सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसमें से एक लाइन कोई 4 दे दिया हुआ है और इसका बताना है। तो दोस्तों इसका और इसका बताना है, तीनों का मिला के 15 है, तो ई दोनों का कितना हो जाएगा? 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 11 है इसमें, तो देखिए 11 सेंटीमीटर है, तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का 2 आंसर। दोस्तों ये क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, इसमें लैंग्वेज नहीं लिखना है, है ना? ऐसे जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे बनाना। नेक्स्ट है सी नंबर, राहुल कोभर अ डिस्टेंस ऑफ 800 मीटर इन रनिंग अराउंड स्क्वायर गार्डन वंस, द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ द गार्डन। दोस्तों ये देखिए, स्क्वायर गार्डन में हम लोग जानते हैं ऐसा होगा, मतलब ऑल साइड आर इक्वल। यही जो है ना, चारों तरफ से कवर किया दौड़ के, कितना? 800। तो इसका मतलब पेरीमीटर दिया हुआ है 800, है ना? पेरीमीटर 800 है, हम लोग जानते हैं दोस्तों। इसका क्या होगा? 1 2 3 4, मतलब साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, 4 साइड। तो 4 से इसमें डिवाइड करेंगे ना, 1 साइड आ जाएगा, 4 2 8 और 00। दोस्तों ये क्या था? मीटर था, तो ये मीटर आ जाएगा। इसका मतलब द साइड ऑफ गार्डन इज कितना? 200 मीटर। दोस्तों तभी तो 200 मीटर प्लस 200 मीटर प्लस 200 मीटर प्लस 200, तब ना 800 हुआ होगा। तो 200 मीटर ये है, इसका भी सेकेंड आंसर है। नेक्स्ट बता रहा हूँ डी नंबर, आई नीड डैश ऑफ रिबन टू मेक अ बॉर्डर अराउंड अ रेक्टेंगुलर पिक्चर ऑफ द लेंथ। दोस्तों ये रेक्टेंगल है ऐसा, इसमें बॉर्डर मतलब लगाना है, मतलब यहाँ स्टिच करना है, बॉर्डर लगाना है। इसका लेंथ दिया है दोस्तों 20 एंड ब्रेथ दिया हुआ 8, तो कितना लगाना? हम लोग जानते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होता है ना दोस्तों, तो ये होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। तो 2 × लेंथ दिया है 20 प्लस 8, तो हो जाएगा 2 × 20 8। तो 8 × 16 का 6 कैरी 1, 2 × 4 = 15, तो 56। दोस्तों ये मीटर था ना, सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर हो जाएगा 56। तो सो देखिए सेकंड में 56 है, तो इसका भी सेकंड आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ और इसमें पूरा नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव है, आपको सिर्फ बना के आंसर टिक करना है ना। नेक्स्ट बता रहे हैं ई नंबर में है द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर। इसका पेरीमीटर बताना है दोस्तों। पेरीमीटर जो होता है ना, बाहर वाला लाइन है। देखिए ये जो 2 सेंटीमीटर अंदर में दिया है ना, ये आपको बरगलाने के लिए दिया है, ये ऐड नहीं होगा। सिर्फ देखिए यहाँ 4 सेंटीमीटर प्लस ये 3 सेंटीमीटर प्लस यहाँ 1 सेंटीमीटर प्लस ये भी 3 सेंटीमीटर प्लस ये वाला भी 3 सेंटीमीटर प्लस ये 2 सेंटीमीटर। दोस्तों ये वाला लाइन नहीं ऐड करना, क्योंकि बाहर में जो ऐड करते हैं तो ये इंक्लूड ऑटोमेटिक अंदर में आ जाता है। तो 4 + 3 = 7 = 8 + 10 = 6 = 16, तो 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। 16 ऑप्शन में है, तो 16 देखिए थर्ड में ऑप्शन है दोस्तों, तो ई नंबर का 3 आंसर हो गया। दोस्तों एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है कमेंट जरूर कीजिएगा, और दोस्तों मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आगे बता रहा हूँ, नेक्स्ट है दोस्तों 2 नंबर है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग। फिगर दिया हुआ है दोस्तों, फिगर मतलब देखिए यहाँ 4। पेरीमीटर मतलब क्या होता है दोस्तों? मतलब सम ऑफ ऑल साइड, जितना भी सम। तो पेरीमीटर निकालना हम लोग को, पेरीमीटर इक्वल टू हो जाएगा 4 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस फिर 4 सेंटीमीटर प्लस फिर यहाँ 3 सेंटीमीटर प्लस फिर ये 3 सेंटीमीटर।
तो हम पर एक बार गिन लेते हैं, फिर भी गलत नहीं है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 12 12, और 4 12 6 18, और 4 22, तो 22 सेंटीमीटर हो गया। नेक्स्ट बता रहा हूँ दोस्तों, बी नंबर, इसमें कितना है, पहले नीचे वाला ले लेते हैं, 7 सेंटीमीटर। दोस्तों पेरीमीटर ही निकालना है, पी लिखना है, प्लस इधर है 2 सेंटीमीटर, प्लस फिर ये ऊपर वाला है फिर 2 सेंटीमीटर, प्लस ये वाला लाइन है 1 सेंटीमीटर, प्लस ये वाला है 3 सेंटीमीटर, प्लस फिर ये लाइन है 1 सेंटीमीटर, प्लस फिर ये लाइन है 2 सेंटीमीटर, प्लस ये लाइन लास्ट है 2 सेंटीमीटर। 2 प्लस 2 4 1 5, 3 8 1 9, 9 11 12 13, 13 प्लस 5 20, 20 सेंटीमीटर आया। दोस्तों ये क्या निकला, पेरीमीटर। अगला बता रहा हूँ दोस्तों, फिर देखिए उस समय जो इससे पहले वाले सवाल बनाया, ये जो लाइन दिया है ये लाइन का कोई यूज नहीं है, आपको सिर्फ बाहर वाला लाइन ऐड करना है, ये आपको बरगलाने के लिए दिया। तो यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग, 2 सेंटीमीटर प्लस फिर 2 सेंटीमीटर, ये वाला लाइन लिख रहे हैं दोस्तों, प्लस फिर 2 सेंटीमीटर, प्लस ये लाइन लिख रहे हैं 2 सेंटीमीटर, प्लस ये लाइन लिख रहे हैं 3 सेंटीमीटर। तो हो गया दोस्तों 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 3 प्लस 2 5 प्लस 2 7 प्लस 2 11, 7 प्लस 2 9 2 11, 11 सेंटीमीटर। डी नंबर में निकालना है दोस्तों, क्या पेरीमीटर निकालना है। तो ये 1 सेंटीमीटर प्लस नीचे वाला ले रहे हैं 5 सेंटीमीटर, प्लस ये लाइन ले रहे हैं 2 सेंटीमीटर, इसमें भी ये लाइन को ऐड नहीं करना है, बीच में लिखा हुआ बीच वाला नहीं लेते हैं, फिर ये प्लस 2 सेंटीमीटर, प्लस ये है 5 सेंटीमीटर। तो 5 प्लस 2 7, प्लस फिर 5 प्लस 2 7, 7 7 14, 1 15, ये 15 सेंटीमीटर हो जाएगा दोस्तों। 3 नंबर है दोस्तों, ये लैंग्वेज प्रॉब्लम है, लैंग्वेज से बनाना है। रेनू इज हैविंग ए रेक्टेंगुलर फील्ड हुज लेंथ, दोस्तों दिया हुआ है लेंथ इक्वल टू 7 मीटर एंड ब्रेथ BREADTH इक्वल टू दिया हुआ दोस्तों 4 मीटर, फाइंड द पेरीमीटर। तो यहाँ लिख देंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ क्योंकि रेक्टेंगल बोल दिया, पेरी ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता था 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, इसलिए 2 लेंथ कितना दिया हुआ 7 मीटर प्लस ब्रेथ 4 मीटर, 7 प्लस 4 11 मीटर, और इंटू 2 है दोस्तों, तो 11 2 जा 22 मीटर आ गया पेरीमीटर। 3 बना दिए दोस्तों, 4 बना रहा हूँ। 4 नंबर में है मिस्टर कुमार है जैफ, क्या जैफ फार्म हाउस है। द शेप ऑफ द बाउंड्री ऑफ द फार्म हाउस इज गिवेन, दोस्तों ये ही है फार्म हाउस। उससे मिस्टर कुमार वांट टू फेंस हिज फार्म हाउस विथ बॉर्डर वायर, इसमें वायर लगाना चाहता है चारों तरफ से ऐसे। इफ़ द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग वायर इज 25 पर मीटर, फाइंड द अमाउंट ऑफ द कुमार। पहले दोस्तों पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, तो पहले पेरीमीटर निकाल लेते हैं इसका कितना आ रहा है। तो पेरीमीटर ऑफ फार्म हाउस इक्वल टू दोस्तों यहाँ देखिए कितना है 10 मीटर प्लस, दोस्तों जिसमें फॉर्मूला है इसमें फॉर्मूला कोई फॉर्मूला इसका नहीं बना है, रेक्टेंगल का फॉर्मूला है, क्वाड्री उसके बाद है स्क्वायर का फॉर्मूला है, लेकिन इसका फॉर्मूला नहीं, इसमें ऐसे ऐड करना। आप रेक्टेंगल या स्क्वायर में भी ऐसे ऐड कर दें तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन फॉर्मूला लगा लेते हैं। 6 मीटर प्लस 7 मीटर प्लस 2 मीटर प्लस 9 मीटर प्लस नीचे लिख देता हूँ 5 मीटर प्लस फिर 6 मीटर है ना। तो 6 प्लस 5 11 9 20, उसके बाद है 22 और 7 29 6 35 और 45, दोस्तों पेरीमीटर आ गया 45 मीटर। लेकिन यहाँ बोला है मिस्टर कुमार वांट टू फेंस फार्म हाउस, इफ़ द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग वायर इज कितना 20 पर मीटर है ना।
तो हो जाएगा द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग वायर, तो फेंसिंग वायर दिया हुआ है कितना हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ 25 पर मीटर, और हम लोग को मीटर कितना निकला 45, तो इक्वल टू हो जाएगा 25 इंटू 45 रुपी, रुपी का साइन आगे में लगाते हैं दोस्तों, तो 125 को 5 लिख देता हूँ, कैरी 12, 25 फोर जा 100 प्लस 12 तो 112, तो इतना रुपया आया 1125। दोस्तों आपको 25 अगर याद नहीं है ना वन जा, तो आप ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैं बता देता हूँ कैसे करेंगे, तो 25 इंटू 45 तो भी आ जाएगा ऐसा, ऐसे भी मल्टीप्लाई, हमको 25 वन जा याद है तो हम डायरेक्ट कर लिए दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों 5 नंबर, दोस्तों अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों का शेयर भी कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा दोस्तों एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर, दोस्तों यही फिगर का पेरीमीटर निकालना, तो पेरीमीटर निकाल लेते हैं, पेरीमीटर इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों 8 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर। दोस्तों देखिए ये तो बहुत ही भयानक है, तो पहले हम लोग ये पहले जो जो दिया है 5 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर। दोस्तों यहाँ देखिए 5 है ना, तो ये लाइन दिया हुआ नहीं है, ये भी लाइन दिया हुआ नहीं है, ये दोनों लाइन आपको सोचना पड़ेगा अपने दिमाग से। दोस्तों यहाँ से यहाँ 8 है और यहाँ से यहाँ 5 दिया हुआ है, इसका मतलब ये कितना होगा 3 होगा, तो 3 सेंटीमीटर। और यहाँ से यहाँ 4 है, यहाँ से यहाँ 1 दिया हुआ, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा, यहाँ से भी होगा 3 सेंटीमीटर। दिक्कत आपको दोस्तों प्रॉब्लम होता है फिर वीडियो को पीछे करके एक बार देखते हैं, 8 + 1 = 9, 9 + 14 = 14, 18 + 3 = 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 तो हो जाएगा 24 मीटर। हेलो दोस्तों, मूर्ख का अंत नहीं है दुनिया में। दोस्तों ये बुक जो छपाया है ना, बहुत सारा जगह मैं गलत पकड़ के दिखाया हूँ, ये खाली ऐसे जोड़ दिया है, ऐसे कितना ये आंसर दिया है बुक में, आंसर दिया हुआ 18 मीटर। दोस्तों किसी का भी बुक में अगर 24 मीटर दिया हुआ ना, दोस्तों हम कमेंट करके बताइएगा कि हाँ मेरा बुक में दिया हुआ, इस बुक में लेकिन 18 दिया हुआ। आप अगर नहीं मानते तो मैं दिखा सकता हूँ आपको, मेरे पास इसका स्क्रीनशॉट है, तो ये 18 दिया हुआ है, खाली ऐसे ऐड कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं होता है, जैसे मैं बताया ये लाइन नहीं दिया हुआ ना, ये लाइन निकालना पड़ता है, ये भी लाइन नहीं दिया, ये भी लाइन निकालना पड़ता है ना। तो मैं आपको बहुत सारा जगह इस बुक को मैंने सही किए हैं, तो बहुत सारा जगह गलत है दोस्तों। यहाँ देखिएगा 24 होगा, कोई भी अगर 18 बता रहा है ना, तो उसको बताइए कि ये लाइन है कहाँ, तो ये लाइन इससे निकालते हैं दिमाग लगा के। चलिए आगे बता रहा हूँ दोस्तों, अगर किसी का भी 24 है मीटर, वैसे आंसर यही है, ये आंसर गलत है, होगा ही नहीं, तो जरूर कमेंट कीजिएगा हाँ मेरा बुक में था। नेक्स्ट है 6 नंबर, माई मदर हैज 90 सेंटीमीटर लेस। लेस दोस्तों जानते हैं ऐसे होता है, ये कितना 90 सेंटीमीटर, मैं समझाने के लिए सब करता हूँ, आपको नहीं करना है, लेस है ऐसा, सी वॉन्ट टू स्टिच हिज लेस ऑन अ बॉर्डर ऑफ द स्क्वायर हैंड करची। दोस्तों रुमाल होता है ऐसे, उसमें लेस लगाना चाहता है, आप देखेंगे ऐसे गोल 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 ऐसा होता है, तो मम्मी लोग ऐसा करती है, लगाती है, तो लगाना चाहती है हैंड करचीफ, इफ़ द लेंथ ऑफ इच साइड ऑफ हैंड करचीफ इज 20। दोस्तों इसमें साइड दिया हुआ है, नंबर बनाना 6, साइड इक्वल टू कितना है 20 cm, लेंथ ऑफ रिमेनिंग लेस, तो बचा हुआ लेंथ कितना है, तो पहले हम लोग पेरीमीटर ऑफ लेंथ में पेरीमीटर ऑफ हैंड करचीफ निकाल लेते हैं, पेरीमीटर ऑफ हैंड करचीफ, हैंड करचीफ इक्वल टू होता 4 × साइड, ऐसा इसलिए होता है हैंड करचीफ का दोस्तों ऑल साइड आर इक्वल होता है, इसलिए 4 × साइड दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, इसलिए 4 × 8 = 80 सेंटीमीटर। दोस्तों 80 सेंटीमीटर का इसका मतलब यूज करना पड़ेगा, तो बोलता है कि रिमेनिंग कितना है, तो हम लोग पहले लिख देंगे यहाँ क्या, लेंथ ऑफ क्या यहाँ दिया हुआ है, लेंथ ऑफ किसका लेस इक्वल टू है 90 सेंटीमीटर, उसके बाद है यूज लेस इक्वल टू कितना दोस्तों 80
सेंटीमीटर, इसलिए क्या बोला है रिमेनिंग या लेफ्ट भी बोल सकते हैं, रिमेनिंग लेस इक्वल टू दोस्तों हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर होगा। दोस्तों आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और दो चार दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।